हाय एवरीवन, मायसेल्फ दीपक और एक डाई गन बनाने के लिए हमारे पास हैं दो आइसक्रीम स्टिक्स। उनके ऊपर पेंसिल से हमने मार्क कर लिया है और मार्क की हुई जगह से हमने इसको काट लेना है। दोनों टुकड़ों को काटने के बाद में दोस्तों हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हमने सेंटर में एक एक होल करना है, तो इनके दोनों के सेंटर में आपने सेम जगह पे होल करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे भी कट लगाना है। कट लगाने के बाद चलते हैं अगले स्टेप पे। तो यहाँ पे मेरे पास है हॉट ग्लू गन, जिसकी हेल्प से मैं इनको चिपका दे रहा हूँ। आप चाहें तो सिंपल ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको चिपका सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही पार्ट अच्छे से चिपक चुके हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। तो मेरे पास है एक पेन और एक 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा कॉपर वायर। मतलब पेन का होना जरूरी नहीं, आप किसी भी सर्कुलर चीज को ले सकते हैं। और इसके ऊपर जब हम कॉपर वायर को लपेटेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक स्प्रिंग के जैसा ये मिलता है। एक ऐसा स्प्रिंग बनाने के बाद में इसके दोनों पॉइंट्स को सीधा कर लेना है और अब हम इसको डालने वाले हैं अपने गन के अंदर। तो यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए मैं इसका टेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे इसको मोड़ देना है। अब मोड़े गए हिस्से को हम इस होल के अंदर डाल देंगे और इसको नीचे की तरफ मोड़ देंगे और जो ऊपर निकला हुआ हिस्सा है उसको भी हम लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये आगे की तरफ फोर्स कर रहा है। अब हमें इसे पीछे अटकाने के लिए यहाँ पे एक कट लगाना है। तो दोस्तों कट हमारा हो लग चुका है और यहाँ पे अब हम इसका टेस्ट करने वाले हैं ये यहाँ पे अटकता है या नहीं। तो फाइनली ये अच्छे से काम कर रहा है और नीचे ट्रिगर दबाने पर ये आगे की तरफ पिंच करता है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। तो हमारे पास है फॉइल पेपर और एक पाइप। पाइप के ऊपर दोस्तों हमने इस फॉइल पेपर को लपेट देना है और चिपका देना है। तो ऐसा करने के बाद इस पाइप को आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो चुका है और एक मेटल के पाइप जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी बंदूक के आगे हमने ग्लू लगा के इसको चिपका देना है। दोस्तों फाइनली हमारी गन रेडी हो चुकी है और चलिए अब इसका टेस्ट करते हैं। वाओ गाइस, ये कितनी फास्ट है, इसको बनाना कितना ज्यादा इजी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर से लाइक करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।